रीवा जिले के चोरी हुए अजीबोगरीब सिधा ग्राम पंचायत के मुक्तिधाम की तकनीकी जांच एक बार पुनः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के द्वारा की गई। मामला गगेव जनपद की सिधा ग्राम पंचायत में 14.95 लाख रुपए में बनाए गए सिधा शांति धाम का है। गौरतलब है कि यह वही मामला है जिसमें सिधा ग्राम पंचायत के आराजी नंबर 3 में बनाए गए शांति धाम को हिनौती पंचायत के गदही ग्राम की आराजी नंबर 47 और 74 में हो ना पाया गया था। इसके बाद मामला मीडिया में छाया रहा था। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री आर.एल. कोकोटे की टीम ने तकनीकी जांच की है। आपको बता दें कि मामले की तकनीकी जांच एक बार पुनः ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा के कार्यपालन यंत्री आर.एल. कोकोटे गंगेव जनपद के सहायक यंत्री श्रीकांत द्विवेदी एवं उपयंत्री डोमिनिक कुजूर के द्वारा की गई। जांच के दौरान 3 बिंदुओं की जांच को जमीन का कॉम्पेक्शन और सरफेस से लेवल देखने के लिए कुदाल से खुदाई की गई। बघविल शांति धाम और जिरोही में बने 2 अन्य शांति धाम की लगभग 1 दर्जन जगह पर तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति में 2 से 2.5 फीट तक गहरी खुदाई की गई, जिसमें मिट्टी का स्तर और कॉम्पेक्शन देखा गया। देखने पर पाया गया कि जिस बघविल शांति धाम की सरफेस बनाने के लिए ही मात्र लगभग 9 लाख रुपए मिट्टीकरण होना बताया गया है, वहां कोई मिट्टीकरण हुआ ही नहीं है और मात्र लेवलर अथवा ट्रैक्टर दौड़ाकर सरफेस को समतल कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी तौर पर कार्यपालन यंत्री SDO और उपयंत्री की उपस्थिति में मजदूर लगाकर कुदाल से कई जगह शांति धामों और खेल मैदान की खोद कर जाँच की गई। जांच के दौरान व्यापक अनियमितता प्रकाश में आई है, जिसमें कई लाख रुपए की रिकवरी बनने का अनुमान है। जहां तक मामला सिधा ग्राम पंचायत के आराजी नंबर 3 पर बनाए गए बघविल शांति धाम का है, वह शांति धाम सिधा ग्राम पंचायत की आराजी नंबर 3 पर ना बना होकर हिनौती ग्राम पंचायत के गदही ग्राम की आराजी नंबर 47 और 74 में बना हुआ पाया गया था। गौरतलब है कि यह जांच भी कमिश्नर रीवा संभाग के द्वारा SDM सिरमौर से कराई गई थी, जिसमें प्रतिवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जा चुका है। जाहिर है जिस स्थान के लिए तकनीकी स्वीकृति होती है कार्य उसी स्थान पर किया जाता है, और जिस प्रकार से दहा ग्राम पंचायत का शांति धाम हिनौती ग्राम पंचायत में बिना किसी शासकीय अनुमति के बना दिया गया, यह पूरी तरह से रिकवरी की श्रेणी में आता है। गौरतलब है कि सिधा ग्राम पंचायत के उक्त 3 बिंदुओं की जांच, जिसमें शांति धाम और खेल का मैदान सम्मिलित है, इनमें तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के दौरान आसपास की जमीन से किए जाने वाले कार्य का लेवल नहीं दर्शाया गया था, जिसमें मन मुताबिक मूल्यांकन कर कार्य की पूरी राशि हजम कर ली गई थी। अब सवाल यह है कि जो मनरेगा और पंचायती कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी जाती है, उसमें कार्य का जमीनी लेवल अवश्य देखा जाता है। विशेष तौर पर यदि मनरेगा का कार्य किया जाना है तो उस मिट्टी का लेवल आसपास की मिट्टी के लेवल से आवश्यक तौर पर देखा जाता है और इसी आधार पर उस कार्य की लागत का प्रारंभिक आकलन किया जाकर TS जारी होते हैं। अब यदि शांति धाम के ही कार्य को ले लिया जाए तो शांति धाम के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण सिरे में जमीन का लेवल लगभग इतना ही था जितना शांति धाम के अंदर, जबकि पूर्वी सिरे में लगभग शांति धाम के बराबर लेवल था, पर चट्टानी एरिया आने के कारण थोड़ा सा मामूली अंतर दिखा। जबकि इस शांति धाम का 14,95,000 रुपए का जो तकनीकी स्वीकृत संबंधित इंजीनियर के द्वारा पूर्व में जारी की गई है, उसमें और मूल्यांकन में भी किसी भी प्रकार के लेवल का जिक्र नहीं है। अक्सर तकनीकी स्वीकृत और मूल्यांकन में सरफेस लेवल का जिक्र ना करने से मनरेगा के कार्यों में मन मुताबिक राशि का हजम कर ली जाती है और लोगों को पता तक नहीं चलता। विशेष तौर पर मनरेगा के मिट्टी मोरम और पंचायती कार्यों में अक्सर भ्रष्टाचार करने का यह काफी महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिस पर शिकायतकर्ता भी ध्यान नहीं देते। जबकि यदि मनरेगा से संबंधित शिकायतें की जानी हैं, तो कार्य के पूर्व का सरफेस लेवल और कार्य के बाद के लेवल का अंतर स्पष्ट तौर पर बताया जाना चाहिए। आज 31 अगस्त 2022 को सिधा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के विषय में एक जांच हुई है, जो शांति धाम का मामला था। ऐसे भी 3 मनरेगा के कार्यों की जांच हुई, जिसमें शांति धाम बघवी में बना हुआ था जो 14,95,000 रुपये का, और 2 छोटे छोटे शांति धाम थे जिरोही प्लाट में सिधा पंचायत में, और एक खेल का मैदान था। इसकी तकनीकी जांच की गई है। इसके पहले शांति धाम की जब जांच की गई थी राजस्व लेवल पर, तो उसमें ये पाया गया था कि शांति धाम सिधा पंचायत की आराजी नंबर 3 पर ना बना हो करके नज़दीकी ग्राम पंचायत हिनौती की आराजी नंबर 74 पर बना हुआ है।
अब तकनीकी स्तर पर ये देखना था कि उसका जो सरफेस का लेवल है वो क्या है, क्योंकि उसमें राज की ज़्यादा निकासी हुई है। तो आज ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री आर एल पोपोटे और उनके साथ श्रीकांत द्विवेदी, सहायक यंत्री गंगेव, डोमिनिक कजूर उपयंत्री, इनकी टीम ने आकर के तकनीकी जांच की है। कई दर्जनों जगह खोद करके देखा गया है और जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है कि खोद करके देखा गया है, उसका लेवल देखने का प्रयास किया गया है। मौके पर पाया गया है कि कहीं भी अच्छा काम नहीं हुआ है और मिट्टी के नाम पर मात्र राशि की निकासी हुई है और एक तरह से देखा जाए तो उसमें पूरी रिकवरी बनती है। और जल्द ही जाँच रिपोर्ट आ जाएगी, अधिकारियों का यह कहना है, देखते हैं इसमें क्या होता है।